साउथ इंडियन सिनेमा के सिंगम सुपरस्टार सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कंगुआ का टीजर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों इस टीजर को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल को एक बड़ा चैलेंज देने वाली है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह के विजुअल्स, सिनेमेटिक लोकेशंस और रूथलेस अवतार इस फिल्म में हमें सूर्या और बॉबी देओल के देखने को मिले हैं, ये फिल्म गारंटीड दोस्तों तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में तो रिकॉर्ड्स लेवल पे कमाई करेगी ही। लेकिन दोस्तों हिंदी में इस फिल्म की जो कलेक्शंस है वो हम सभी को हैरान कर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म कंगुआ के टीजर के बारे में। जानेंगे दोस्तों इस फिल्म का बजट कितना है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब रिलीज होगी और इस फिल्म के जो राइट्स है वो कितने दामों पर बिके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़े सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दें आपको कि शिवा के डायरेक्शन में बनने वाली कंगुआ एक हिस्टोरिकल एपिक थ्रिलर फिल्म होगी, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार सूर्या के साथ साथ लॉर्ड बॉबी देओल, दिशा पाटनी और कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली यह फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसे कि पैन इंडिया में इसी साल रिलीज किया जाना है। और दोस्तों इस फिल्म को तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में लगभग 5000 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। यूवी क्रिएशन दोस्तों इस फिल्म को साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज करने वाला है और हिंदी में इस फिल्म को पैन इंडिया स्टूडियोज ने रिलीज करने वाला है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के जो राइट्स है वो पहले ही काफी बड़े दामों पर बेचे जा चुके हैं, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के राइट्स 85 करोड़ रुपए की प्राइस में बिके हैं, जिन्हें कि अमेज़न प्राइम ने खरीदा है। कल इस फिल्म का जो टीजर रिलीज किया गया वो दोस्तों विजुअली तो आउटस्टैंडिंग था ही, साथ ही साथ दोस्तों एक्शन, सिनेमेटिक फ्रेम्स और रुथलेस अवतार को देखने के बाद एक चीज क्लियर हो चुकी थी दोस्तों कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनर बनने वाली है। सुपरस्टार सूर्या का जो लुक्स और उनका एक्शन फिल्म में गजब का होने वाला है। बॉबी देओल के दोस्तों जो लुक्स फिल्म में हमें देखने को मिले हैं वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। साथ ही साथ दोस्तों जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक और जो लोकेशंस हमें देखने को मिली है वो भी शानदार है। ये फिल्म दोस्तों काफी अच्छे बजट के साथ बनाई गई है और यही वजह है कि ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इस साल के वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर बन सकती है। कल के टीजर को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और 24 घंटे के अंदर ही इस फिल्म के टीजर को 14 मिलियन व्यूज यानी कि 1,40,00,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और 5,00,000 से ज्यादा लाइक्स हासिल हो चुके हैं। हिंदी में भी दोस्तों इस फिल्म के टीजर का ऑडियंस को काफी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन दोस्तों हिंदी में इस फिल्म के टीजर को रिलीज नहीं किया गया। इस फिल्म का टीजर सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रिलीज किया गया है और वो है दोस्तों सिर्फ तमिल। बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज से पहले ही लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर चुकी है, जिसमें इस फिल्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइट्स 85 करोड़ रुपए की प्राइस में अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए हैं। हिंदी राइट्स इस फिल्म के लगभग 35 करोड़ रुपए की प्राइस में बिके हैं। वहीं दोस्तों तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के जो सैटेलाइट राइट्स है 130 करोड़ रुपए की प्राइस में बिके हैं, यानी कि दोस्तों ओवरऑल 140 करोड़ रुपए के इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बिके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइट्स इस फिल्म के 85 करोड़ रुपए में बिके हैं और म्यूजिक राइट्स दोस्तों इस फिल्म के 10 करोड़ रुपए की प्राइस में बिके हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म 235 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज से पहले ही कर चुकी है। ओवरसीज में इस फिल्म को कौन रिलीज करेगा ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज के राइट्स को मिलाकर 260 करोड़ रुपए की प्राइस को भी क्रॉस करने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि कंगुआ के टीजर को देखने के बाद ये कंफर्म है कि ये फिल्म हिंदी में नॉर्मली 15 से 20 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिला लिया जाए तो दोस्तों इस फिल्म की ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को सिर्फ इंडिया से ही पार करती हुई नजर आ रही है। आपको दोस्तों ये टीजर कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।